नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बॉबी देओल की कुंडली के ऊपर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में क्या ऐसी चीज़ें हैं, कैसे कॉम्बिनेशंस हैं जो केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम देख के बता सकते हैं कि जी हाँ, ये इंसान जो है अपने लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा, क्या उसकी कुंडली ऐसी कहती है, तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो में हम आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते भी हैं और करेंगे भी। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो vedicastro.in की वेबसाइट पर विजिट कीजिए। कुछ फ्री कोर्सेज हैं, कुछ पेड कोर्सेज हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ कोर्सेज हैं, लेकिन जो भी कोर्स आप लेंगे उसके लाइफ टाइम एक्सेस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करने के बाद आप लोगों को एक कुंडली दिखेगी। ये है बॉबी देओल की कुंडली है जिसका तारीख है 27/1/1967। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे बहुत 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 शुभकामनाएं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। आज 27 जनवरी है और इस तारीख को हम इनकी कुंडली देखकर ये देखना चाहते हैं कि क्या केपी ज्योतिष के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि जातक जो है प्रोफेशनली कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़कर काम करेगा, नहीं करेगा, और ये करंट दशा जो इसकी चल रही है क्या उसमें उसे फायदा होगा या नहीं होगा, क्या उसका नाम होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस कुंडली में अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि हम 10वें घर से विवेचना करेंगे तो 10वें घर का सब लॉट यहाँ पे राहु दिखा रहा है। ठीक है, जब भी 10वें घर का सब लॉट राहु होता है तो ऐसा इंसान जनरली हमेशा दिमाग में रखेगा कि मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क मुझे करना है, एक काम में अपने आप को नहीं जोड़ के रखना है। लेकिन आप देखें राहु जो है लगन में ही बैठा है, तो ये एक अश्योरेंस देता है जिंतन जिंदगी में जब भी 10वें घर का सब लॉर्ड पहला घर ले तो वहां पे हम कहते हैं वो जातक अपना नाम जरूर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10वें घर का संबंध पहले घर से हो गया। तो यहाँ पे अब मुझे ये देखना है कि जब भी हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं 5वां घर कनेक्ट होता है और 10वां घर भी कनेक्ट होता है, क्योंकि 10वां घर बिना 10वें घर के कनेक्शन के भी प्रोफेशन में ज़्यादा वृद्धि नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे राहु का संबंध बन चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ राहु का स्टार लॉर्ड शुक्र, शुक्र अपने आप में जो है कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 10वें घर का कारण शुक्र भी नक्षत्र स्वामी बन गया है जो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाभ स्थान पे बैठा है, विच इज़ वेरी गुड। तो शुक्र के साथ साथ अगर मैं देखूँ कि राहु का जो सब लॉर्ड है वो भी राहु ही है, राहु का जो सब लॉर्ड है वो भी राहु ही है, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि राहु का अगर सब लॉर्ड राहु है तो राहु किस तरह से यहाँ पे कनेक्शन बना रहा है, कैसे वो संबंध बना रहा है, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम राहु को देखते हैं, राहु अपने आप में बहुत ही ज्यादा कैलिबर रखने वाला ग्रह है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि शुक्र का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो शुक्र अपने आप में इतना पावरफुल प्लेनेट है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जातक को जरूर और जरूर प्रोग्रेस देता है। तो अगर मैं देखूं शुक्र जो है लाभ स्थान में बैठा है, तो अगर आप शुक्र को ध्यान से देखें तो शुक्र का जो भी स्टार लॉर्ड मंगल ही है, ठीक है, शुक्र का स्टार लॉर्ड भी मंगल है, तो राहु यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया। तो ऐसे केस में राहु को हमें ध्यान से देखना जरूरी है कि राहु कौन कौन से घरों से संबंध बना रहा है, ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो राहु को देख रहे हैं। तो दृष्टि जब भी हमें देखनी होती है हमें हमेशा राशि चार्ट से ही देखनी होती है। तो यहाँ पे आप देखें मंगल का प्रभाव है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पहला घर का यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है, और मंगल की वजह से अगर मैं देखूँ मंगल भी यहाँ पे कनेक्शन में आ रहा है, तो मंगल का स्टार लॉर्ड मंगल है। तो हमारा रूल ये कहता है अगर किसी ग्रह का स्टार लॉर्ड वही ग्रह बन जाए तो सब लॉर्ड को हम ले लेते हैं, यहाँ पे बुध को ले लेते हैं। तो बुध यहाँ पे जो है 10वें घर को ले रहा है। तो 10वां घर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए 10वां घर, शुक्र, 5वां घर आना जरूरी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 5वें घर का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि 10वें घर का यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, शुक्र का कनेक्शन आ रहा है। ये अपने आप में आपको ये दिखा सकता है कि जातक जो है फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अगर यहाँ पे आप देखें कि अभी इनकी राहु की ही दशा चल रही है ना, और राहु की दशा 2021 के बाद आई है, तो कहीं ना कहीं राहु की दशा जब भी आएगी तब इनका दोबारा रिकॉग्निशन, नाम, ये सारी चीज़ें होने की पूरी संभावना बनेगी। तो ओवरऑल जो है राहु की दशा में इनका करियर फिर से बूम होगा और कहीं ना कहीं इनको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा दूसरी तरह से देखना चाहें कि क्या ये जातक के पिता भी इसी लाइन में हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है आप इस पूरे चार्ट को ना रोटेट कर लो। मैं 9वें घर से इसको रोटेट कर लेता हूँ। तो 9वें घर से जब हम इसको रोटेट करेंगे, अब ये जो चार्ट है इनके पिता का बन चुका है, तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो 10वें घर का सब लॉर्ड है वो कौन है। तो 10वें घर का सब लॉर्ड देखिए यहाँ पे बृहस्पति आ रहा है। ठीक है, बृहस्पति जो है यहाँ पे
आठवें घर में स्थित है। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा प्लेनेट चाहिए जो ये बताए कि जो या तो 5-10 ले ले, या तो कोई ऐसा प्लेनेट जो हो जो शुक्र से संबंध बना ले, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैंने आपको कहा कि जब भी 10वें घर का सबलॉर्ड पहला घर ले, यहाँ पे देखिए 10वें घर का सबलॉर्ड पहला घर ले तो जातक ज़रूर और ज़रूर कामयाब होता है, नाम होता है। तो यहाँ पे आपको पता ही है इनके जो पिता हैं धर्मेंद्र जी, तो उनका काफ़ी नाम है। लेकिन आठवें घर आने की वजह से हम ये कहेंगे ऐसे जातक को अपनी मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ा, काफ़ी मेहनत करके ये आगे बढ़े। और जब भी मंगल 10वें घर में स्थित दिखे तो आप देखेंगे ऐसे इंसान की पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी होती है, लोग बहुत अच्छी तरह इनको जानते हैं, इन्हें नाम फेम सब कुछ बनाते हैं। तो 10वें घर के कारण पहला घर भी आ गया, मंगल भी 10वें घर में बैठा है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अब हमें आगे देखना है 10वें घर का सब लॉर्ड जो है बृहस्पति है, बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी शनि है। यहाँ पे बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी शनि है, शनि यहाँ पे चौथे घर में स्थित है। शनि को अगर आप देखें तो यहाँ पे चौथे घर में बैठा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि और कौन कौन से घर यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर मैं शनि को ध्यान से देखूँ तो शनि का जो स्टार लॉर्ड है वो बृहस्पति है, और शनि का जो सब लॉर्ड है वो राहु है। तो यहाँ पे राहु का संबंध आ गया। तो राहु को अगर हम देखें, राहु पंचम भाव में बैठा है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा इंडिकेशन आपको देता है कि यहाँ पे 5वें घर का संबंध आ गया, पहले घर का संबंध आ गया। तो ये क्लियर इंडिकेशन आपको ये देता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर कुंडली का समय सही हो तो ऐसे केस में अपना ही नहीं पिता का भी आप पोजिशन और प्रोफेशन देख सकते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आज हमने देखा कि बॉबी देओल कैसे इस प्रोफेशन में आए। शुक्र एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो आपको करियर जो है फिल्म इंडस्ट्री में देता है। 5वां घर, 10वां घर, पहला घर, जब भी ये कॉम्बिनेशन में बन जाते हैं तो वहाँ पे जातक अच्छा नाम भी बना पाता है। और मैं ये जानता हूँ कि जब आपको जातक को फेमस होना होता है, फेमस के केस में 10वां घर और पहला घर का कॉम्बिनेशन ज़रूर आना चाहिए। जैसे कि उनके पिता धर्मेंद्र जी की कुंडली में भी जब हमने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद भी हमें वो चीज़ दिखी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने कुछ सीखा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और हमारे वेबसाइट में जाके जरूर देखें, अगर कोई कोर्स आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड लर्न दैट पर्टिकुलर कोर्स। टेक केयर, नमस्ते।